अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये 5 अगस्त को कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, जो तस्वीरें अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने काले कपड़े पहनकर महंगाई पर प्रदर्शन किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले कपड़ों में किए गए कांग्रेस के प्रदर्शन की तुलना काले जादू से की और कहा कि कुछ लोग कितना भी काला जादू कर लें, लेकिन देश की जनता का भरोसा अब उन पर दोबारा नहीं बन पाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके जवाब भी दिया है और काले कपड़ों में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि ये काला धन लाने के लिए तो कुछ नहीं कर पाए, अब काले कपड़ों को लेकर बेमतलब का मुद्दा बना रहे। देश चाहता है कि प्रधानमंत्री उनकी समस्याओं पर बात करें, लेकिन जुमलाजीवी कुछ भी बोलते रहते हैं। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री की जो तस्वीर शेयर की है वो प्रयागराज की है और तब की है जब प्रधानमंत्री ने अर्धकुंभ में स्नान किया था। आज इस मुद्दे पर प्रियंका वाड्रा ने भी ट्वीट किया और उन्होंने लिखा है कि आप इधर उधर की बात ना करें, ये बताएं महंगाई बढ़ाकर क्यों लूटा। जनता को काले कपड़ों से गिला नहीं है, आपकी रहबरी पर सवाल है। ये सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, तब कुछ ऐसा भी हुआ है जिसकी तरफ देश का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हम जानते हैं कभी कभी कोई मरीज अपनी लंबी बीमारी के इलाज से थक जाता है, निराश हो जाता है, अच्छे अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेने के बावजूद जब उसे लाभ नहीं होता तो वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो अंधविश्वास की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो जाड़ फूंक कराने लगता है, टोने टोटके पर, काले जादू पर विश्वास करने लगता है। ऐसी हताशा में ये लोग भी अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। अभी हमने 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा हताशा का काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही जाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा।